14 दिसंबर मेरी प्रिंसेस का बर्थडे। मैं श्रृंगार के ये ड्रेस लेके आई थी कान्हा जी के कावे के बर्थडे वाले दिन बनाऊंगी। कान्हा जी कैसे लग रहे हैं आपके? और ये हमारे हनुमान जी और ये है हमारे छोटू कान्हा जी। सेम ड्रेस थी और एक और ड्रेस मैं लेके आई हूँ ये गिफ्ट करने के लिए। और अभी हमारे कावे ये प्रसाद चढ़ा के गई। ये पूड़ी भी थी वो गाय को खिला दी है कावे ने। और ये बलून समझ में नहीं आ रहा कैसे लगा, मुझसे तो नहीं लगेगा ये सब कुछ। तो अभी फैला हुआ है, सर सही कर रहे थे, उधर तैयारी कर रही थी, अकेले ही करना है सब कुछ मुझे। कावे के डैडी का ऑफिस है, अकेले मुझे करना है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कैसे करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कर रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी मैं कावे को लेने जा रही थी और ये जो ड्रेस दिखाई थी ना कावे की भी सेम बर्थडे है, तो चारों बच्चों के लिए एक ड्रेस, कान्हा जी, छोटे कान्हा जी और एक कान्हा जी की ड्रेस हम गिफ्ट करेंगे सेम कलर का, कावे की भी। तो तीनों मैंने भी मजिंडा पहना, आज मजिंडा कलर का डे है तो तीनों का पहन एक ही कलर हो गया है। तो सुबह वीडियो बनाने का टाइम नहीं था, इतनी ठंड थी ना, तो लाइक बनाया था छोले पूड़ी जो उसका फेवरेट है, और स्वीट में कुछ नहीं रहता, भगवान को चीनी के साथ भोग लगा दिया था, गाय को फिर रोटी खिला दी थी वो। तो मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, देख लो बैड में से बहुत सारा सामान निकाल रहा था। तो अभी लेके आती हूँ, फिर तैयारी करते हैं, धीरे धीरे करते हैं। समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो इस बार कावे की विश थी कि बाहर नहीं जाएंगे, घर पे बनाएंगे, तो हम घर पे बना रहे हैं। आ गई है कावे, शूज दिखा, शूज दिखा कावे, कैसे लाइट वाले शूज दिखा, लाइट जूते दिखा, जूते जैकेट निकालो, जैकेट वैकेट कहाँ है? पापा करेंगे, मुझे नहीं आया करना, मैं निकाल दिया। कल का भी होमवर्क करना है और आज का भी करना है, दिखाओ। तो अभी बज रहे शाम के 6 और मैं पूजा करने जा रही थी। कान्हा जी दोबारा से दिखाती हूँ, इतने प्यारे से लग रहे हैं कान्हा जी, ये देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं, फोटो ले लेते हैं इनकी। कावे को थोड़ा सुला दिया है, सो नहीं रही थी, इसको कोल्ड हो गया है थोड़ा। इस बैड को हमने बना दिया, ये कावे की मैंने ड्रेस निकाली थी, ये मुझे नहीं पता था बच्चों के कपड़े मार्केट में इतने महंगे आते हैं बड़ी। तो लक्ष्मी नगर से लाए थे, ब्लॉग भी बनाया था, तो जब ये पहनेगी ना तो दिखाऊंगी मैं आपको, ऐसी है। और ये कैप है और इस समय गिफ्ट है, तो अभी हमने यही बैड बना दिया, जो भी गिफ्ट आते जाएंगे वो उधर रख देंगे। ऐसे बलून्स वगैरह लगा दिए, फोटो नहीं लगाई आज इस पर। तो कावे के डैडी ने झाला नहीं पता नहीं ली की थी। तो चलो पूजा करके मिलते हैं, चलो अब हम पूजा कर लेते हैं। वैसे तो बच्चा जितने साल का होता है उससे एक्स्ट्रा दिया जलाने को बोला जाता है। मैंने 4 देसी घी के दिए जलाए हैं और हमारे इंडियन कल्चर में केक का कोई रीति रिवाज नहीं होता है और स्वीट्स का होता है बस। तो दिए जलाए हमने 4 और मैंने अब कावे को उठा दिया ताकि वो पूजा कर पाए। तो बच्चा पूरे दिन स्कूल में थक भी जाता है तो सुलाना जरूरी था, तो अब उठिए तो मैं इसे रेडी कर देती हूँ और अब कावे पूजा करेगी। और पूजा तो रोज करती है बट मैं आज वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि हमें अपने संस्कार नहीं भूलने चाहिए। तो पहले वो राम नाम का जाप करेगी और पूजा में सच में बहुत शक्ति होती है। काव्या माला जाप कर लेती है, राम नाम ले लेती है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसको हेयरिंग लॉस और भूल भी नहीं पाती है। ये बाबा का चमत्कार है कि ये राम नाम का जाप कर लेती है, डेली करती है, बट ये 108 नहीं जितना उससे होता है उतनी माला वो जप करती है। तो पहले हमने देसी घी का दिया मेन गेट पे जलाया ताकि हमारे घर में खुशियां आए, समृद्धि आए और सारे विघ्न काव्या के हर जाए और एक तुलसा जी के पास और 2 भगवान जी के पास। तो काव्या बहुत एक्साइटेड थी आज, उसे अपने फ्रेंड्स का वेट करना था तो वेट उससे हो नहीं रहा था। मैं आपको बाबा को तो दिखाना ही भूल गई, बाबा के बिना तो मेरा डे कंप्लीट ही नहीं होता। और आप ये देखिए काव्या कितनी खुश है और गेट पे खड़ी रही, अब तो उसके फ्रेंड्स नहीं आए। वैसे तो हमने 7:30 का दिया था और काव्या को जल्दी तैयार कर दिया था, तो एक बच्चा जल्दी आ गया और बहुत अच्छा लगा उसके आने पे, वो जल्दी आ गया था। उसने डांस काफी सारा डांस किया, तो हमने सबसे पहले उसको स्नैक्स पार्टी दी क्योंकि वो अकेला बैठा था,
और जब तक उसने स्नैक्स पार्टी करी तब तक और बच्चे भी आ गए। बहुत अच्छा लगा, सारे बच्चे आए जिनको भी मैंने इनवाइट किया था, और कुछ बच्चे बाद में आए, वो वीडियो में नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे आए जो सिर्फ गिफ्ट देके चले गए और वो इस वीडियो में नहीं है, क्योंकि पता नहीं क्यों गिफ्ट देके लोग भी चले जाते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे थे जो काव्या के फ्रेंड्स थे, और वो बहुत खुश हुए काव्या की पार्टी में आके, और जो हमें बहुत अच्छा लगा, काव्या के दादू भी आए थे, दादू के साथ उनके फ्रेंड्स भी आए थे। तो काव्या इतनी खुश हो गई इन सबको देख के, क्योंकि दादाजी का अलग ही वो होता है बच्चों को। तो काव्या बहुत खुशी, बहुत अच्छे से बर्थडे मना। हाँ, फूफा जी भी आए थे, बुआ जी भी आए थे, और मामा मामी नहीं आए क्योंकि बच्चों के अगले दिन एग्जाम थे, तो वो बाद में पार्टी होगी उनके साथ। मुंडी मिक्की माउस की मिनी, भाई मुंडी का वेट हो रहा है। अरे इसका मास्टर निकल गया पूरा। और किसको समोसा चाहिए टेस्टी? बड़ा बड़ा था पूरा समोसा और चालू हो गया गिफ्ट खोलना। दावे कल खोलना था ना, को नहीं लगा टेस्टी, इसने तो छोड़ दिया अपना शौर्य को। मैं तो पूरा ही खत्म कर रहा है। अच्छा जी, तो सभी के लिए हमने ना पैक्ड फूड और पैक्ड थाली मंगाई थी। वैसे तो बाहर जाना था, पर दादाजी ने सरप्राइज दे दिया था तो हम बाहर नहीं गए, तो हमने सबके लिए फूड मंगा लिया था। और ये बच्चा बाद में आया था, आप देख रहे होंगे काव्या की फ्रेंड, उसका नाम भी काव्या है, वो बाद में आई थी। और सबके साथ फोटो क्लिक करा के पार्टी करके बड़ा अच्छा लगा। सारे बच्चों ने खुद ही अनबॉक्सिंग कर दी थी गिफ्ट की। तो ये शौर्य लाया था गिफ्ट, वो खुद ही अनबॉक्स कर रहा है जो वो खुद लाया था गिफ्ट। तो पता नहीं क्राफ्ट का कुछ था इसमें, कुछ क्रिलिंग पेपर होता है वो था, और मतलब कुछ क्राफ्ट का है, वो बाद में देखेंगे क्या है। और ये काव्या की अनबॉक्सिंग चालू हो गई है। ये है, सिर्फ एयरिंग्स बनते हैं, क्रिल पेपर है ये। कौन देगा, नाम भी नहीं पढ़ने देगी। नाम दिखा, क्या लिखा है, नाम किसने भेजा है, ये किसने भेजा है। ये वो है, वो लड़का आया था ना, तो कह रहा था 8:30 बजे आएगा। अच्छा, वो देख लिया नीचे लोग आपस नाम देखे ना, ये नाम ऐसे लिखते हन्नी बस नीचे बस। अच्छा है ना, देखो खुश हो गए, काव्या खुश, हम भी खुश। अरे क्या क्या दे दिया उन्होंने, शौर्य क्ले मत खोल, क्ले सूख जाएगा। नहीं क्ले मत खोल, क्ले सूख जाएगा, क्ले खुलने के बाद ना सूख जाता है। अरे आंटी ने देख लिया था कि काव्य को क्या क्या चाहिए, इस पार्लर वाली ने दिया, पार्लर है ना नीचे, हाँ वो साथ में दुकान है ना, उसी दुकान से ले आई है। काव्या तो
तो अब मैं डिनर कर रही थी, सब लोग चले गए थे, नेबर्स के लिए भी हमने यही थाली मंगाई थी, फैमिली के लिए भी, सबके लिए मंगाई थी। तो काफ़ी टेस्टी खाना बना था। और अनबॉक्सिंग अभी हो गई है, पूरी रात चलनी है अनबॉक्सिंग, तो कल आपसे मिलते हैं। ओ, हमारा बर्थडे हो गया, बहुत अच्छे से। और अब हम करते बाय, मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में। और काव्या ने तो उद्धम गाड़ दी है। बस काव्या नू पढ़ाई बस मैं बोल देती शो, ऐसा एक बुक कर दो शौर्य के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो।